और कंपटीशन चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। आरटी पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। आरटी पास के लिए सिक्योरिटी गार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1000 से अधिक पदों पे भर्ती निकली है। ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों। इसमें कितने पद है, क्या इसकी पात्रता रहने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, आप इसके आवेदन कैसे भेज सकते हो, आप घर से इसके आवेदन कैसे भेज सकते हो, सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है दोस्तों। इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट तुरंत पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इंटरनल नोटिफिकेशन ये रिलीज हुआ है, 31 मई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड के पद पे भर्ती है दोस्तों। सिक्योरिटी गार्ड के पद पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ओनली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सिटिंग एम्प्लॉय ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इसमें टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जनरल के लिए 842 पद है दोस्तों। साथ ही एससी कैंडिडेट 163, एसटी 81, 81, टोटल 1086 पदों पे भर्ती है। बहुत ही बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के पदों के लिए। कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसकी जो क्वालिफिकेशन है आप देख पा रहे हो इसमें दिया गया है दोस्तों। कैंडिडेट मस्ट बी 7th स्टैंडर्ड पास दोस्तों। इसमें केवल 7वीं पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। 7वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती रहने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कैंडिडेट मस्ट बी 7th स्टैंडर्ड पास। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें पास होना चाहिए। साथ ही जो इसमें जो कैडर स्कीम है उसके अनुसार, इसके नियमों के अनुसार ये भर्ती होगी। इसमें जो दिए गए जो रेस्पेक्टिव एरिया वर्कशीप सेल रिटेन द एप्लीकेशन एंड सेल कंसिडरेट, जो जिस आप जिस ट्रेड में या जिस जगह पे आप भेज रहे हो, जिस वर्कशॉप पे या जिस एरिया में आप इसको फॉर्म को भेज रहे हो, उसका जो नाम एप्लीकेशन परफॉर्मा इसमें दिया गया है दोस्तों। जो मैं आपको इसमें PDF उपलब्ध करवा दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी। इसमें इसका आवेदन फॉर्म दिया गया है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसमें जो इसकी कॉपी है एक्सेल शीट में आपको ये एप्लीकेशन फिल करना है। तो आपका नाम, जो भी एड्रेस है उसी के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनकी हार्ड कॉपी, जो ईमेल दिए गए इस ईमेल पे आपको सेंड करना है दोस्तों। ये आवेदन सिर्फ आपको, इसमें कोई फीस नहीं है, आपको इस ईमेल पे आपका आवेदन सेंड करना है एक्सेल कॉपी में उसको फिल करके, बाद में आप इसको इस ईमेल पे सेंड कर सकते हो दोस्तों। इसमें जो भी आगे क्या क्वालिफिकेशन दी गई है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इसका जो आवेदन फॉर्म है आप कब तक भेज सकते हो, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द एरिया, मतलब किसी भी वर्कशॉप हेडक्वार्टर में आप जो ये आवेदन भेज सकते हो, ये अप्लाई कर सकते हो। 15 जून तक आप ये आवेदन भर सकते हो दोस्तों। ईमेल से आपको ये आवेदन भेजना है, 15 जून तक आप ये मेल कर सकते हो आवेदन। साथ ही हार्ड कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जो भी आपके क्वालिफिकेशन, रेसिडेंट प्रूफ, जो भी इसमें मांगा गया दोस्तों, वो सभी इस आवेदन के साथ भर के सेल्फी अटेस्टेड करके आप ये फॉर्म भेज सकते हो दोस्तों। इसका एप्लीकेशन का जो परफॉर्मा है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपकी फ़ोटो पेस्ट करनी है। ये परफॉर्मा दिया गया है दोस्तों, 31 मई के नोटिफिकेशन का ये परफॉर्मा दिया गया है। इसमें आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड, साथ ही आपको कैंडिडेट नेम लिखना है जो कि यहाँ पे दिया गया है, साथ फादर्स नेम, जो प्रेजेंट ग्रेड कैटेगरी है, जो डेट एंट्री प्रेजेंट कैटेगरी है दोस्तों। इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एक बार मैं आपको फुल नोटिफिकेशन इसका दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें दोस्तों, यहाँ पे दिखाया गया एक्सिटिंग एम्प्लॉयज ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड दोस्तों। जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो भी एम्प्लॉई जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में या कैसे भी उसमें सर्विस कर रहे हो, प्राइवेट या प्राइवेट बेस पे या कैसे भी इसमें सर्विस कर रहे हैं कैंडिडेट, जो इसमें अप्रेंटिस पे, सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इससे जुड़े हुए हैं ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से, वो सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उनके लिए ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो मैनेजमेंट रिजर्व द राइट नॉट कंसिडर द कैंडिडेट वर्किंग इन द असिस्टेंट सुपरवाइजर कैपेसिटी लाइक, जो मतलब इन पोस्टों पे जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनको इसमें ऑफर नहीं दिया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, माइनिंग सुधार, ओवरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट फोरमैन, ये वाले जो सारे कैंडिडेट दिए गए हैं इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बाकी सभी एम्प्लॉयज इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसका आवेदन कैसे करना है, कैसे सेंड करना है, जिसका ये आपको परफॉर्मा दिया गया है इसको भर के आप इस पे मेल पे सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपके सिग्नेचर करने हैं दोस्तों। आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जॉब सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप ज्वाइनिंग आईडी कार्ड जो भी है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जिसमें पेस्ट करनी है, आप इस मेल पे 15 जून तक ये फॉर्म भेज सकते हो दोस्तों। इसी प्रकार की जानकारियाँ तुरंत पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।